नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से खबर, जहां कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक जारी है। संगठन में तालमेल को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सीएम कमलनाथ बैठक में शामिल हैं, इसके साथ ही एमपी के प्रभारी दीपक बावरिया भी इसमें शामिल हैं। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही एमपी कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल हैं। कांग्रेस समन्वय समिति की यह बैठक जो हो रही है, सीएम कमलनाथ बैठक में शामिल हैं। कल शाम को भी सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके साथ ही एमपी के प्रभारी दीपक बावरिया भी इसमें शामिल हैं। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद है। इसके साथ खेल मंत्री जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल हैं। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं मोहित। मोहित, सवाल मेरा यही है, कल अहम बैठक भी हुई है, कल सोनिया गांधी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। सबसे पहले तो उस मुलाकात में क्या रहा और आज की जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्या बातचीत हो सकती है, क्या चर्चा हो सकती है? बड़ी बात यह है कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी से कल शाम को 7 बजे कमलनाथ की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली थी और उस मुलाकात में उन्होंने अब तक का जो अपना रिपोर्ट कार्ड था वो उन्होंने सोनिया गांधी को सौंपा। इंदौर में आईफा होने वाला है उसकी जानकारी भी सोनिया गांधी को कल उन्होंने दी। और उसके बाद आज 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे मध्यप्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू हो गई और उसी से इस बैठक को जोड़ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस समिति को, खासतौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी को, सोनिया गांधी ने ही बनाया था। क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि पार्टी और सरकार में कोई तालमेल नहीं है, तालमेल बनाने के लिए ही इस कमेटी को बनाया गया था। लिहाजा आज पहली बैठक है, कमलनाथ के आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। कमलनाथ इस बैठक में मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगातार सवाल उठाते रहे कार्यप्रणाली पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर, वो इस बैठक में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। दीपक बावरिया जो प्रभारी महासचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। दीपक बावरिया के नेतृत्व में ही इस बैठक को बुलाया गया है क्योंकि वो प्रभारी महासचिव हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके की बातें वहाँ पे होती हैं, क्योंकि लगातार जो सवाल जवाब होते रहे, चाहे उमंग सिंघार की बात हो, चाहे दिग्विजय सिंह की बात हो, दोनों में लगातार विवाद मध्यप्रदेश के भीतर कई बार दिखाई दिया है। तो ऐसे में आज इस बैठक के बाद देखने वाली बात यही होगी कि क्या पार्टी और सरकार में तालमेल बन पाता है कि नहीं बन पाता, लेकिन इसके अलावा कई और मुद्दे भी होंगे। जी, ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार आईफा अवार्ड्स भी वहां पर होने हैं। मध्यप्रदेश के लिए अपने आप में ये गौरव की बात है, बड़ी बात है, तो क्या उसको लेकर या मध्य प्रदेश में निवेश ज्यादा बढ़ाया जा सके उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, 2 दिनों तक जो लगातार कमलनाथ ने दिल्ली में डेरा डाला और उसके बाद उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात भी हुई, राउंड टेबल उन्होंने बैठकें की हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की और सीधे तौर पर उन्होंने बैठक में, मीटिंग में ये बात कही कि आइए निवेश कीजिए मध्यप्रदेश के भीतर, मध्यप्रदेश से बढ़िया माहौल किसी और राज्य में नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर कमलनाथ जिक्र करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से पार्टी के नेताओं को भी सहयोग करना होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों के हित को लेकर, क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से ही बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन एक और खबर आपको दे दूँ कि इस बैठक में इस बात को लेकर भी जिक्र किया जाएगा, क्योंकि जो मध्यप्रदेश सरकार वो फिल्म पॉलिसी लेके आ रही है, फिल्म पॉलिसी को लेकर भी इस बैठक में जिक्र होगा, बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से इसको लागू किया जाए। जो मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत ने फिल्म पॉलिसी को बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। बंबई में हो गए थे, 4 से 5 दिनों तक उन्होंने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से मुलाकात की, बातचीत की, उसके बाद इसको प्रारूप में ढाला गया था। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस बैठक में क्या बात फिल्म पॉलिसी को लेकर भी होती है। जी बिल्कुल, वाकई मोहित, ये देखने वाली बात होगी। एक अहम बात जरूरी ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल है। पिछले दिनों हमने देखा पार्टी लाइन से अलग हटके काफी सारी बातें उन्होंने कही, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम उन पर निशाना साधा और लगातार यही कहा कि कांग्रेस में बेहद गुटबाजी है। तो क्या उसको लेकर आज सोनिया गांधी कोई नसीहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे सकती है या फिर इसको लेकर कोई अहम चर्चा आज की इस बैठक में होगी? देखिए, लगातार जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं या पार्टी फोरम पे बातचीत करते हैं तो सरकार को लेकर वो जरूर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैनिफेस्टो जिस रूप में बनाया गया है उस रूप में क्या अब तक लागू किया गया, क्योंकि सरकार हमारी बन चुकी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस बात पर ही चर्चा होगी कि किसको किस फोरम पर बोलना चाहिए। और सोनिया गांधी भी इससे पहले भी नेताओं को नसीहत दे चुकी हैं कि जो भी आपको बात करनी है पार्टी फोरम पर बात कीजिए, जनता के बीच में जाके बात करने से पार्टी की छवि खराब होती है, सरकार
सरकार की भी छवि खराब होती, तो निश्चित तौर पे सोनिया गांधी ने इस कमेटी को इसीलिए बनाया था कि नेताओं को जो भी बात करनी है इस कमेटी में आके बात करें। और देखिए इस कमेटी की एक और जिम्मेदारी है कि इस बैठक तक ही सीमित नहीं है, इस बैठक के बाद वो कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात करें, कार्यकर्ताओं का क्या फीडबैक है वो सरकार तक पहुँचाएं। तो बहुत सारे समीकरण है इस बैठक में जिनको लेकर यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यही होगी बैठक के बाद नेता क्या बोलते हैं, नेता आके बाहर क्या बोलते हैं, क्या ज्योतिराज सिंधिया के तेवर वही होते हैं, क्या दिग्विजय सिंह के तेवर वही होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है अमूमन कि मध्य प्रदेश के भीतर कई धड़े हैं, दिग्विजय सिंह का अलग धड़ा है, ज्योतिराज सिंधिया का अलग धड़ा है, कमलनाथ का अलग धड़ा है, लेकिन तीनों धड़े एक साथ इस बैठक में बैठे हैं, मकसद एक ही है कि तालमेल पार्टी और सरकार के बीच में बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मोहित यही खड़ा होता है कि आप बैठक के बाद वो तालमेल बैठ पाएगा जिस उद्देश्य से बैठक को बुलाया गया है। चलिए ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।